हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है यहाँ पर का आज की डेट में एक वीडियो आ चुकी है बेस्ट एंसिलरी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जिसमें रिस्क ना के बराबर है और अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे कौन सा स्टॉक्स है जाके देखिए जागे देखिए शेयर को और लगभग 25 परसेंट के रिटर्न तीन महीने के अंदर अंदर आपको मिलते हुए नजर आएंगे ऐसे स्टॉक्स हम पर चुनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी और आज भी दो स्टॉक ऐसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं जहां पर अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके के वीडियो डेली बेसिस में मिलते रहे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा जितना हो सके सीखने की कोशिश करिएगा सीखिएगा तो अच्छा

काफी लोग कह रहे हैं यहाँ पर और गिरावट आएगी यहाँ पर आ, आ, लोग कह रहे कि पेंडेमिक केसेस यहाँ पर यूरोप के कंट्रीज में आ रहे हैं इस वजह से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आएगा बट टाटा स्टील इज वन ऑफ द कंपनी जहाँ पर आ, बात की जाए नॉट ओनली इंडिया वर्ल्ड में यहाँ पर सबसे ज्यादा ये स्टील सस्ते दामों पर बेचता हुआ नजर आता है काफी बेहतरीन यहाँ पर ये यह शेयर है ओके okay, काफी टाइम से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और जब ये मल्टी बन रहा भागता हुआ नजर आता है तो ये भागता हुआ भी नजर आता है तो यहाँ पर बात करें तो एक लाख उनचास हजार नौ सौ सत्रह करोड़ का मार्केट कैप है पी चार का पी है इससे सस्ता शेयर क्या मिलेगा आपको आर ओ सी आर ओ ही क्या बेहतरीन है पचासी परसेंट का डेट भी है और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है कोई भी शेयर इन्होंने कर्ज में नहीं रख रखे वन पॉइंट फाइव फाइव को तो छोड़ के इसके अलावा बात करें इंटरेंसिक वैल्यू उन्नीस सौ तो अड़तालीस रुपए के आसपास है और शेयर चल रहा है बारह सौ पैंतालीस रुपए के आसपास साढ़े बारह सौ से नीचे ये शेयर चल रहा है और इतनी ज्यादा इसकी क्या है इंट्रेंसिक वैल्यू इंट्रेनसिक वैल्यू इज अ ट्रू वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक्स इस बात को याद रखिएगा फेस वैल्यू दस है हाई की बात करें हाई और लो यहाँ पर पंद्रह सौ पैंतीस है इसके अलावा यहाँ पर अः काफी बेहतरीन यहाँ पर ये यह शेयर नजर आते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इस तरीके की हर्डल लेता रहता है तो जो ये इस हर्डल को यहाँ पर टॉलरेट कर लेता है ओके उसके उसके लिए लिए ये 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 वाले रिटर्न रिटर्न इस तरीके के जो गैप होता है ना बनते हुए नजर आते क्यों क्योंकि एक साइकिल जो मेटल है ना वो एक साइकिल यहाँ पर स्टॉक्स माना जाता है कम्यूडिटी का तो यहाँ पर जब इसमें रैली आती है तो एक साथ ही रैली आती है एक साथ ही शेयर भागता है वरना ये काफी सालों तक यहाँ पर इस तरीके से पड़ा रहता है तो इसमें यहाँ पर आप देख ही सकते हैं किस किस तरीके से ढाई सौ रुपये का स्टॉक्स यहाँ पर चौदह सौ पंद्रह सौ रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिया अभी यहाँ पर फिर दोबारा एक गिरावट हो रही है क्या हमें इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए उससे करने वाले हैं अगर हम यहाँ पर बात करें और भी चीजों की तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखना काफी बेहतरीन होता है काफी जरूरी होता है सेल्स की बात करें तो देखिए इस बार की भी सेल्स हाईएस्ट एवर है अभी तक पिछले तीन बारह क्वार्टर में ऐसी सेल्स नहीं हुई ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ जो ग्यारह हजार

चल रहा था कभी कंपनी अभी पॉजिटिव है यहाँ पर बात करें रिजर्व काफी बेहतरीन सोलह हजार करोड़ थी अभी अठहत्तर हजार करोड़ रुपए यहाँ पर बोरइंग में वर्किंग प्रोग्रेस में उन्नीस हजार करोड़ रुपए यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में सात हजार सात हजार चार सौ चौबालीस रुपए की बात करें तो अठावन करोड़ का यहाँ पर कैश भी, भी पर है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है आर ओ सी आर ओ यहाँ या पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और एफ आई यहाँ पर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग तो थर्टी फोर पॉइंट फोर वन परसेंट एफ आई की होल्डिंग यहाँ पर देखिए एफ आई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है डी आई इसकी होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है एक परसेंट की पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास होल्डिंग यहाँ पर ट्वेंटी फोर पॉइंट एट थ्री परसेंट की है जिसमें से वन पॉइंट टू वन परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर ट्रस्ट अकाउंट एनपीएस एक। के पास है तो यहाँ पर कंपनी अच्छे खासे लेवल पर चल रही है ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुकी है ट्वेंटी फाइव परसेंट यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है और एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल पर यहां पर देखेंगे तो देखे एक बार यहाँ सपोर्ट लिया एक बार यहाँ सपोर्ट लिया यहाँ पर ऊपर की तरफ सपोर्ट लिया यहाँ पर फिर दोबारा सपोर्ट लिया और यहाँ से नीचे मुझे नहीं लगता कि ये शेयर जाएगा जब भी यहाँ पर फिफ्टी डीएमए उसके नीचे शेयर आया ये दोबारा भागता हुआ नजर आया तो यहाँ पर अब बात करें एक कंसोलिडेशन काफी हो लिया है ओके यहाँ से सितंबर से देखिए अभी तक तो एक कंसोलिडेशन और यहाँ से एक लंबा कंसोलिडेशन बात करें बारह में से यहाँ तक तो ये ये भी एक कंसोलिडेशन ही है चीजों को यहाँ से पकड़ना पकड़ के चलेंगे तो 20 परसेंट के रिटर्न यहाँ पर आपको दोबारा पच्चीस तो नहीं करूंगा फिर भी 20 परसेंट के यहाँ पर रिटर्न की बात करूंगा कि लगभग साढ़े चौदह रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई देगा पहला लेवल चौदह रुपए है ये तोड़ेगा तो फिर यहाँ पर दूसरा लेवल यहाँ है और फिर ब्रेकआउट भी शायद हो सकता है तो

पर नीचे आती हुई दिखाई दे रही है ओके यहाँ पर बात करें कंपनी का फेस वैल्यू एक का ही है इंटरेंसिक वैल्यू पांच की है उससे नीचे ये शेयर चलते हुए नजर आ रहे हैं इंटरेंसिक वैल्यू अभी भी पता है ट्रू वैल्यू होती है इसके अलावा यहाँ पर देखिए कंपनी इसी तरीके से जैसे यहाँ पर टाटा स्टील का चार्ट पैटर्न चल रहा था इसी तरीके से ये भी चलता हुआ नजर आ रहा है एक सौ सौ रुपए का स्टॉक्स यहाँ पर साढ़े पांच सौ रुपए का चेंज होता हुआ दिखाई दिया था इसके अलावा बात करें यहाँ पर सेल्स की तो इसकी भी जो सेल्स है वो हाइएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स आती हुई दिखाई दी है पिछले बारह क्वार्टर में और नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाइएस्ट एवर है चौथी करोड़ रुपए जो की अभी तक नहीं आया था पिछले बारह क्वार्टर में ईयरली बेसिस पर बात करें तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स यहाँ पर कंपनी की किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है एक लाख चौसठ हज़ार करोड़ की सेल्स पिछले बारह महीने की है और जो नेट प्रॉफिट था यहाँ पर एक दस हजार करोड़ का नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए 2020 में तीन हजार सात सौ सड़सठ और दो में पूरे पूरे साल में चौतीस करोड़ की सेल्स थी और अभी की बात करें तो इतनी सेल्स में यहाँ पर एक ही क्वार्टर प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ एक ही क्वार्टर में प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये चीज़ें अगर नीचे आ रही है तो एक अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए

पब्लिक के पास यहाँ पर होल्डिंग कम होती हुई नजर आ रही है 18.97 पॉइंट और मैं हमेशा बताता हूँ 18.97 में से भी यहाँ पर बात करें 5.67 परसेंट मॉर्गन गारंटी ट्रस्टेड कंपनी ने यहाँ पर लेती हुई नजर आई है तो यहाँ पर ये यह अगर हम घटा देते हैं लगभग यहाँ पर तेरह की होल्डिंग नजर आती है तो कहने का मतलब क्या है जब बेहतरीन नंबर आ रहे होते हैं ओके okay, और जब शेयर गिर रहा होता है तो याद रखिए वो एक्मलेशन का टाइम होता है क्योंकि ऑपरेटर होते हैं जो ऑपरेटर नाम के जो जीवाणु होते हैं मार्केट में वो ही शेयर को ऊपर लेके जाते वो वही शेयर को नीचे लेके आते हैं तो यहाँ पर अभी नीचे लेके आ रहे हैं क्यों ले नीचे लेके आ रहे हैं क्योंकि उन्हें शेयर ये बेहतरीन है हाईएस्ट एवर रिटर्न्स दे रहा है हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और जब हाईएस्ट एवर सब चीज जनरेट कर रहा है तो नीचे लेके आएंगे तभी तो वो यहाँ पर पैसा बना पाएंगे ऊपर ले लेंगे ले और कितना भगाएंगे बट नीचे या अपने शेयर बेच बेच के नीचे लेके आएंगे और एक साथ ही जब सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ डर के मारे की बीस तेईस नीचे आ गया चौबीस नीचे आ गया तो यहाँ पर जब बेच देंगे सीधे फिट भगाते हुए नजर आएंगे और शेयर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा जब भी फिफ्टी डीएमए के नीचे आया है शेयर ने अच्छी खासी रैली दिखाई है इस चीज को याद रखिए और यहाँ पर एक बेहतरीन लेवल यहाँ पर नजर आता है अगर ये दो चार पांच रुपए और टूट गया तो मैं उससे नहीं कह सकता बट अगर बात करूं तो एक बेहतरीन लेवल देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया इसके बाद कल परसो यहाँ पर सपोर्ट लिया था रिजल्ट से पहले फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर बात करें दूसरे सपोर्ट की बात करें फिर दूसरे सपोर्ट यहाँ पर एक ये बनता है चार का और एक ये बनता है चार सौ रुपए के आसपास तो देखिए इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा चालीस पचास रुपए का यहाँ पर रिस्क है और प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट का रेशियो भी फिर उसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा तेईस परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है जो कि तीन महीने के अंदर अंदर मेरे हिसाब से आपको मिल जाना चाहिए स्टिल की रिकमेंडेशन नहीं एडवाइजर खुद की स्टडी करिए शेयर ऑलरेडी बहुत चल चुका है शेयर के पास डेट भी है बट कंपनी के रिजल्ट इतने प्रॉमिसिंग है जिस तरीके से इनके स्टील्स और यहाँ पर एल्यूमिनियम ये सब चीज बिजते हुए नजर आ रहे हैं तो ये दो बेहतरीन स्टॉक्स में आ, माल को आ, दस हजार रुपए पांच हजार यहाँ लगा दो पांच हजार वहां लगा दो एक डायवर्सिफाइड का डायवर्सिफिकेशन हो जाएगा और जब ये शेयर भागना शुरू करेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे और तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना कमेंट करना जितना हो सके सपोर्ट करना ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पर मिलती रहे और हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर दे रखा है यहाँ पर कॉन्टेक्ट करिए फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी लेके देखिए अच्छा लगे तो यहाँ पर कैरी ऑन करिएगा तो अदरवाइज यहाँ पर आपकी मर्जी है यहाँ पर सीखने की कोशिश करें वीडियो यहाँ पर देखिए सो सो थैंक यू मच